बच्चों, उस दिन मैंने संबोधन किया था सज्जनों से, तो बच्चे ये कहने लगे मुझसे कि माताजी, आपने तो कृत्रिमता उत्पन्न कर दी। मैंने कहा, भाई कैसे कर दी? उन्होंने कहा कि आज आपके मुंह से पहली बार हमने सज्जनों और देवियों सुना अथवा मातृशक्ति सुना। आपके मुंह से तो हमको वही शब्द सुनने चाहिए थे जो हम आपके समीप बैठते हैं। बेटे, मेरी समझ में आई ये बात? मैंने कहा, जिस गद्दी पर बैठ कर के मैं बोल रही थी तो उसमें मुझे ये संबोधन करना चाहिए था। उस समय मैं भूल रही थी कि ये मेरे बालक बैठे हैं, मेरे बच्चों को से सहा नहीं गया ये, और उन्होंने कह दिया। चलिए, ये तो उस दिन की बात रही। मैं तो ये बात कहना चाहती थी आपसे कि उपासना हमारे जीवन का संबल है, और उपासना हमारा मार्गदर्शन है, उपासना हमको रास्ता बताती है, और उपासना के सहारे हम बड़ी से बड़ी मंजिल को पार कर सकते हैं। लेकिन इसमें बेटे साधना हमारी वो चीज़ है, जैसे जहाज में एक सुई लगी रहती है और वो हमको दिशा बताती रहती है, किसको, जो ड्राइविंग करता है उनको दिशा बताती रहती है कि उत्तर को जाना है अथवा दक्षिण को जाना है, मार्ग बताती रहती है वो सुई। जहाज बालों को दिशा देती रहती है, उपासना हमारे जीवन को दिशा देती है। जैसे ध्रुव तारा होता है, अंधेरी रात होती है, और राहगीर बेटे उस ध्रुव तारे के, उस छोटे से ध्रुव तारे का उस सहारा लेकर के, चांद तारों का नहीं, चांद तारे अपनी जगह पर हैं, वो प्रकाश देते हैं, लेकिन वो ध्रुव तारा उस तारे का दिशा लेकर के बेटे राहगीर अपनी मंजिल को पा लेता है। तो जो उपासना है ये ध्रुव तारे के समान है और उस सुई के समान है जो हमारे जीवन के लक्ष्य की ओर ले जाता है। लेकिन हम दिशाहीन होते हैं, हमको दिशा नहीं मालूम है, हम तो जिधर भटका हुआ तो उधर ही को चले, भेड़ चाल है। अभी मैं देख रही थी कि अभी जब मैं आ रही थी तो रास्ते में कई लड़के उधर से आ रहे थे, कहाँ से, गंगा जी की तरफ से, कुछ नहा के आ रहे थे, कुछ गंगा जल ले के आ रहे थे। तो मैंने उनको पढ़ा और देखा कि इनके जीवन में कितनी आस्था का अभाव है, कि जहाँ जी आए हैं इनको ये नहीं मालूम कि ये पूर्णावती का वक्त है, कि सैल करने का वक्त है, ये किस वातावरण का वक्त है। गंगा जल आप पीछे भी ला सकते थे, उसी समय आपको गंगा जल रह गया था, अगर लाने को यही समय रह गया था। लेकिन बेटे वो दिशाहीन, मैं दिशाहीन कह रही हूँ, मैं उनकी गलती नहीं बता रही हूँ कि वो गलत हैं, क्योंकि उनके जीवन में उन्होंने साधना को उसको महत्व नहीं दिया, उपासना को नहीं दिया, आस्था को नहीं दिया। वो तो जिधर को चले तो भेड़ चाल, वो तो चले चले नहीं। बेटे, हमको लक्ष्य तक पहुँचने के लिए उपासना हमारी आवश्यक है। पर मैं तो ये कह रही बेटे, उपासना से ज़्यादा आपको साधना पर जोर देना पड़ेगा। साधना कैसी माताजी? उपासना साधना तो एक ही बात होती है। नहीं बेटे, दो होते हैं। उपासना हमको मंजिल बताती है, और साधना हमको सिखाती है अपने ऊपर कड़ाई साधिए, जो अनगढ़ हैं बेटे, उनको गढ़िए। किसको गढ़े? अपने को गढ़िए ना, तो कैसे गढ़ा जाएगा? ठोक पीट करनी पड़ेगी। अरे बेटे, ठोक पीट हथौड़े से नहीं करनी पड़ेगी, ये दिमाग से करनी पड़ेगी और विचारों से करनी पड़ेगी। अनगढ़ें गढ़िए, जो हम जो कुछ सोचते हैं, जो हमारा चिंतन होता है, निगेटिव चिंतन इधर को चले जाते, उधर को चलते ही चले जाते, कोई दिशा मिलती है, कोई धारा मिलती है कि नहीं? बेटे, तो अपने ऊपर कड़ाई करिए। अपने ऊपर कड़ाई कैसी करनी पड़ेगी माता जी? चलिए बेटे, मैं एक दो शब्दों में आपको बता देती हूँ कड़ाई किसको कहते हैं। और कड़ाई वो चीज़ होती है, जैसे रुई
रुई धुनी जाती है बेटी, जितनी धुनी जाएगी उतनी ही वो फूलेगी। और रुई को आप ऐसे ही रख दीजिए तो जैसा ढेर रखा था वैसे ही रखा रहेगा, और जितना आप धुनेंगे खूब फूलेगी। चाहे जिसमें भरवा लो, गद्दे में भरवा लो, रजाई में भरवा लो, तकिए में भरवा लो, आपका थोड़े में से ही काम चल जाएगा। तो धुनना, धुनना अपने आप में, रंगाई करना, रंगाई। और बेटे अपनी पिटाई करना, पिटाई करना, माता जी क्या कह रही हैं आप? हाँ बेटे पिटाई करना, और सारी जिंदगी करनी पड़ेगी आपको। इस अनुष्ठान में ही करना पड़ी हो अथवा कर रहे हो और करे, ये नहीं, वो तो आपको जीवन पर्यंत तक अपनी धुलाई रंगाई ये करनी पड़ेगी। जैसे जैसे बेटे गुरुजी ने किया अपने साथ में, कैसी कढ़ाई की बेटे, अभी आपको कढ़ाई नहीं मालूम पड़ रही है क्या? जो अभी भी 75 साल की आयु में भी बेटे कितनी कढ़ाई, कितनी कढ़ाई कि आप हैरान हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। जब मैं जाती हूँ शाम को तो बेटे मुझसे देखा नहीं जाता, देखा नहीं जाता। जो हर समय अपने परिजनों से घिरे रहे, उपासना से उठे, साधना की, कलम की, बेटे कलम की अपने बच्चों से जो वायदा किया है, जो समाज से वायदा किया है वो वायदे को निभाने के लिए, जुकाम खांसी सबको होता है, उनके जीवन में भी कोई क्षण ऐसे आए हैं। जबकि प्रकृति के लिए क्या कह सकते हैं बेटे, सर्दी जुकाम ही होता है, लेकिन बेटे उन्होंने कसाई अपने साथ में इस कदर की, इस कदर की कि बेटे और दिन हमेशा के दिन होते थे उसमें आधा फार्म पौन फार्म लिखा जाता था, लेकिन जिस दिन शरीर ने गड़बड़ी की उस दिन बेटे डेढ़ फार्म, कितना ठीक उससे दूना, अब तू लगा ले कढ़ाई का, हम और आपके सर में दर्द हो और हमको और आपको बुखार आ जाए या जुकाम हो जाए तो हम और आप क्या करेंगे जरा बताइएगा? चारपाई पे लेटेंगे। और उनका उनका ठीक उल्टा, ठीक उल्टा बेटा दूना काम करना, दूना काम करना। ये क्या हुई? ये बेटे साधना, साधना। उसका मैं चमत्कार भी अभी आपको बताऊंगी। और इस उम्र में भी बेटे कितना कठोरतम व्रत लिया है उन्होंने और ये तपस्या कर रहे हैं। क्या आप आंख पाएंगे क्या? नहीं बेटे, आपकी जो स्थूल आँखें, आपकी स्थूल आँखें नहीं देख पाएंगी, लेकिन बेटे जिनके सूक्ष्म दर्शी हैं उनको अनुभव होता है। आपको कैसे हो जाएगा? उनको हो रहा है, किनको? गुरुदेव को हो रहा है। अनुभव कैसा हो रहा है कि सारा संसार का जो भयावह दृश्य उनको बेटा दिखाई पड़ रहा है और हमको आपको नहीं दिखाई पड़ रहा। उनका सूक्ष्म शरीर काम कर रहा है जो सारे वातावरण पर छाया हुआ है और देख रहा है। कल के ही पेपर में, अभी मैं आपको आगे बताऊंगी, कल के पेपर में पढ़ा गया कि अमेरिका और पाकिस्तान ने ये धमकी दी है, किसको? हिंदुस्तान को दी है कि देखा जाएगा, जरा अभी उठाया सर तो देख लेंगे। देख लेंगे कि मतलब बेटे वो हथियारों से संपन्न है और वो एटम बमों से संपन्न है, इसलिए सर उठाया उन्होंने और कह दिया। तो वो दृश्य आपको दिखाई नहीं पड़ता, वो दृश्य उनको वह ऊपर बैठे दिखाई पड़ रहा है। और जो पंजाब की हालत और कश्मीर की हालत और बेटे आपके आंध्र की हालत आपसे छिपी है क्या? ये तो प्रांत, ये तो घर के ही घर में मरे जा रहे हैं, सारे घर के ही घर में लड़ाई हो रही है। घर के तो क्या करेंगे, बाहर वाले चढ़ेंगे नहीं तो और क्या करेंगे? जब देखते हैं घर में आग लग रही है तो बेटे बाहर वाले भी चढ़ जाते हैं। क्या चढ़ जाते हैं? जो मुर्दा पड़ा होता है, अभी कहीं एक्सीडेंट हुआ था तो मैंने सुना था कि जो बेचारी लाशें थी पड़ी थी, इन जाहिलों के मन में ये उदारता नहीं आई, ये दया नहीं आई कि इस गाड़ी में से निकाल के डालना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए, किसी का पॉकेट उठा के रखना चाहिए, किसी की घड़ी उतारनी चाहिए, किसी के गले में से उतारनी चाहिए। बेटे क्या करते हैं? दूसरा हावी हो जाता है। ये क्या बात है भाई? दूसरे हावी हो जाते हैं। हाँ बेटे, गिरे के ऊपर हावी हो जाते हैं और उठने वाले के ऊपर सहारा देते हैं, सहारा देते हैं, तो वो दृश्य उनको दिखाई पड़ता है। मुझसे बच्चे पूछते रहते हैं कि गुरुदेव ने इतनी कठिन तपस्या करने की क्या आवश्यकता थी।
हाँ बेटे, आज का जो वातावरण है उसको देखते हुए उन्होंने आवश्यक समझा कि अपनी शक्ति को संग्रह किया जाना चाहिए। जब तक शक्ति का संग्रह नहीं होगा बेटे, तो खर्च कहाँ से करिएगा? पूंजी हाथ में थोड़ी होगी तो बेटे थोड़ी के हिसाब से ही किया जाएगा। बाप कमाता है, माँ खर्च करती है, और बाप जब थोड़ा कमाएगा तो माँ कहाँ से खर्च करेगी बेटे? उसे उसी में से गुजारा करना पड़ेगा। थोड़ा कमाएगा, ज़्यादा कमाएगा तो खुले हाथ से खर्च करेगी। वैसे तो माँ बड़ी चालाक होती है बेटे, पिता से ज़्यादा होशियार होती है, मैंने ऐसा सुना है। क्यों होती है? ला मैं तुम्हें अभी बताती हूँ कैसे होती है। पिता कमाता है और बेटे हर महीने गृहणी के हाथ पर रख देता है, माँ के हाथ पर रख देता है। क्या रख देता है? घर खर्च के लिए 500 रुपये लाया और उसने हाथ में रख दिया, और बस उसने उन्होंने कहा कि देखो भाई, ठीक एक महीने में मैं आपसे हिसाब ले लूँगा। अजी साहब आप क्या कह रहे हैं? हिसाब दूंगी आपको, बराबर दूंगी आपको साहब। और बेटे उसने लिस्ट बनाई, उसने कापी में लिखना शुरू किया, और 500 की बजाय, जी लड़कियाँ हंस रही हैं, 500 की बजाय 550 लिख दिए उसने। कहा कि ये क्या किया तुमने भाई, 550? अजी साहब आपको मालूम नहीं है, देखिए कितनी महंगाई है, काम चलता है क्या? ये तो 50 रुपये में उसे पड़ोसिन से उधार लाई थी, मुझे देने हैं। बेचारा चुप हो जाता, ठीक कह रही होगी, पर वो क्या करती है, वो होशियार है। उस 500 में से 50 रुपये बचा करके वो अपने पॉकेट में रख लेती है। क्यों रख लेती है बेटे? नीयत में कोई ख़राबी होती है क्या? नहीं बेटे, नीयत में ख़राबी नहीं होती उसके में। एक बात होती है, मेरे इतने सारे बच्चे हैं और कहीं मैं गई और मेरे बच्चे मेरे साथ गए तो कहेंगे मम्मी हमें तो गुब्बारा दिलवा दे, मम्मी हमें तो टॉफ़ी दिलवा दे, तो मैं कहाँ से दिलवाऊँगी इनको? मेरे पास नहीं होंगे तो पूरा का पूरा खर्च कर दूँगी तो कहाँ से आएगा? नहीं, संभल के ही चलानी पड़ेगी गृहस्थी। तो बेटे मेरा भी यही ढंग है, मैं क्या करूँ, वो तो बहुत उदार है, जो लाते हैं वही खर्च कर देते, पर मैं कभी कभी कंजूसी कर लेती, कभी कभी बचा लेती, बचाना पड़ता है, न मालूम इतना मेरे किस बच्चों के लिए क्या मुसीबत आ जाए, किसके लिए मुझे खर्च करना पड़ेगा। तो बेटे उस शक्ति की अभी कमी आ रही थी, वो आप लोगों को मालूम है। कलम बंद हुई तो बेटे वो जवान शुरू हो गई। कब तक? 12 बजे से लेकर के और 6 बजे तक। और भी कुछ हुआ तो मैं समझती हूँ कि और भी पहले उसका टाइम बढ़ गया, वो 9 से 10 से हो गया। तो आखिर ये बताइए कि शक्ति जब हमारी हर समय चुकती जाएगी तो आएगी कहाँ से? वो कोई मार्ग भी तो हो, कोई जगह भी तो हो बेटे, कहाँ से आएगी? वो शक्ति को इकट्ठा करने के लिए बेटे उन्होंने मौन, बातचीत बिल्कुल बंद। बेटे आपको शायद निराशा हुई होगी और आपको अपने मन में दुख भी हुआ होगा कि गुरु हम आए और गुरु जी के दर्शन नहीं मिले। और जैसा कि हमारे बच्चे अभी ये कह रहे थे कि हम अपनी व्यथा किसे सुनाएं, गुरुदेव आपके पास आकर के भी अब हम खाली हाथ जाएंगे क्या? नहीं बेटे, ऐसा कोई भी खाली हाथ जाने वाला नहीं है। गुरु जी ने मुझे बैठा लाया है आपके दुख दर्द और पीड़ा को सुनने के लिए और मदद के लिए। बेटे आपकी मदद हर क्षण होगी, हर क्षण गुरु जी आपके साथ रहेंगे और बेटे ये माँ भी आपके साथ रहेगी। माँ के अंदर से वो करुणा और वो उदारता और ममता चली जाए तो बेटे उसको माँ नहीं कह सकते आप, वो तो जाने उसका क्या रूप होगा, हम नहीं कह सकते। अब खराब शब्द तो माँ के लिए क्या कहें, लेकिन उसको माँ नहीं कह सकते। बेटे हमारे दोनों के अंदर वो माँ का हृदय है, उनके अंदर भी हैं तो वो पिता, लेकिन माँ की करुणा है और माँ की ममता है और माँ की उदारता है। खुले हाथ से बेटे मदद किए करते रहेंगे। आप लोगों की मैं आपको थोड़ी सी झलकी दिखा रही थी उनके तप की बेटे, तो ये मौन किस लिए? एकाकी जीवन, जरा बेटे अपनी कल्पना तो करिए बेटे, घबरा जाएंगे और मैदान छोड़ के भाग जाएंगे। लेकिन बेटे संकल्प है, वो संकल्प है जो गुरु को दिया गया वचन है वो निभाना है, और जो समाज के लिए और राष्ट्र के लिए हमको करना है तो करेंगे।
करेंगे बेटे, वो संकल्प और वो हिम्मत और वो रूहानियत वो करा रही है, वो करा रही है। जो चुप, जो बिल्कुल एक एक मिनट चुप नहीं रह सकते, जरा कल्पना तो करिए 24 घंटे कैसे बीतते होंगे। मैं तो बेटे, मुझे थोड़ा बहुत भी चुप बैठना पड़ता है, नीचे से जाती हूँ ऊपर और देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि बस मैं कौन से लोक में आ गई हूँ, मैं यहाँ दूसरा लोक मालूम पड़ता है बेटे। और मेरी भी वही स्थिति हो जाती है समाधिस्थ, मैं किसी और लोक में, वेदना के लोक में पहुँच जाती हूँ मैं। उस समय उनका चिंतन चलता है सारे विश्व का, पर मैं क्या करूं बेटे। मेरी जो जो संवेदना है वो मुझे प्रत्यक्ष देखने के लिए कहती है, और मैं अपने आप में ऐसी खो जाती हूँ कि मुझे नहीं मालूम बेटे वो घंटे कैसे व्यतीत होते हैं। हो जाते हैं, उपासना करते हैं, उपासना के बाद अपना सो जाते हैं। जी मैंने क्या दिखाई बेटे, ये साधना का चमत्कार आपको बताया। साधना, उन्होंने अपने को साधा, उपासना हाँ बेटे 6 घंटे नित्य प्रति पहले उन्होंने किए और हमेशा उनकी चलती रही है, पर उससे ज़्यादा बेटे उन्होंने अपने लिए कड़ाई की है। यही उपासना का रहस्य है बेटे, हमको आगे बढ़ाने का। हम सब कुछ उपासना को ही समझ लेंगे, अरे तो साधेंगे कब? और जब तक साधेंगे नहीं तो आप कोई काम नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। साधना माने अपने को गढ़ना, गढ़ना है अपने को। कैसे गढ़ना है माता जी? ऐसे गढ़ना, चलिए मैं आपको उदाहरण देती हूँ। देखो बेटे, जब तक भगवान हमारे जीवन में नहीं आता तब तक हम जैसे हैं वैसे ही बने रहते हैं, और जब भगवान का प्रकाश हमारे अंदर आ जाता है तो बेटे हम कुछ और हो जाते हैं। कुछ और कैसे हो जाते हैं? ऐसे हो जाते हैं जैसे सूर हो गए थे। सूर कैसे हो गए थे बेटे? जब तक भगवान नहीं था तो वेश्यागामी थे, एक दिन भी उनका काम नहीं चलता था। जब भगवान उनके अंतःकरण में आ गया तो उन्होंने कहा कि ये गंदी आँखें बहन बेटी को देखने से बाज नहीं आएंगे क्या? आना चाहिए, अभी नहीं आएंगे। उन्होंने कहा हम नहीं आएंगे, सारी जिंदगी जिस रास्ते पर चले हो वो भटका को रोकिए, और नहीं रुकेगा तो बेटे ये सारी जिंदगी तबाह कर देगा। तो बेटे सूर ने क्या किया, अपनी दोनों आँखों को फोड़ दिया, दोनों आँखों को गर्म सलाखों से उन्होंने फोड़ दिया। उन्होंने कहा अब तो मानेंगे बेईमान, अब तक सारी जिंदगी का रस हमारा निचोड़ दिया, अभी भी तुम्हें वो नहीं हुआ, अभी भी संतोष नहीं हुआ और हमारी जिंदगी को तबाह करेंगी। बेटे उन्होंने आँख फोड़ ली। अरे माता जी ये क्या कह रही हैं आप, तो हमको भी फोड़नी पड़ेंगी। बेटे हाड़ मांस की आँखों को फोड़ने के लिए मैं नहीं कह रही हूँ कि आप इन आँखों को फोड़िए, लेकिन अपनी दिशा को पलटिए। अपनी दिशा को पलट दिए, जब नाव जाती है नदी में तो बेटे क्या करती है, किश्ती ने मोड़ा मुख, किनारे बदल गए। बेटे इधर को न जा करके इधर को जब हम चल दिए तो हमारी सारी दिशा और किनारा बदल जाता है, किनारा किश्ती का मुड़ जाता है। बेटे वही मनुष्य जीवन का है, जब ये सोच लेते हैं कि हमारा नारकीय जीवन अब तक व्यतीत हुआ है लेकिन अब तो नहीं व्यतीत हो, जबकि हमको संबल मिल गया है, किनारा मिल गया है, हमको रास्ता मिल गया है और हमें मार्गदर्शक ऐसा मिल गया है कि जो हमको कहीं से कहीं ले जा करके ऊंचे से ऊंचा हमको भक्त बना सकता है, ऊंचे से ऊंचा हमें समाज से भी बना सकता है, तो हम इस अपनी स्थिति को क्यों ना बदलें। चल बेटा दूसरा मैं सुनाती हूँ। दूसरा देख, विवेकानंद था, जब तक गुरु की शक्ति उनके अंदर नहीं आई, गुरु की शक्ति तो थी बेटे, जब तक उन्होंने अपने को नहीं पहचाना, जब तक नहीं पहचाना तब तक गरीब जाने क्या क्या मांगता रहा, नौकरी मांगता रहा और जाने क्या क्या मांगता रहा। बेटे जब उसकी गुरु की शक्ति आई तो सारे देशों में अपने गुरु के काम से घूमते रहे। अमेरिका गए तो एक लड़की उनके पीछे पड़ गई, पीछे तो क्या पड़ गई,
पीछे पड़ा जाता है जब कि अपनी कुदृष्टि होती है तब, नहीं तो बेटे पीछे पड़ने वाला इस संसार में है ही नहीं कोई। जो अच्छी बात हमारा पीछा नहीं कर सकती तो बुरी कैसे कर गई हमारे पास, बुरी का असर कैसा हो गया। पर अच्छाइयों का असर देर में होता है और बुराई का असर बहुत जल्दी हो जाता है, उसको बहुत जल्दी ग्रहण कर लेते हैं। बहुत सुगमता है क्या जाने ऐसा ही कुछ होगा, क्योंकि उसमें कड़ाई करनी पड़ती उसमें कड़ाई नहीं करनी पड़ती। बेटे उनके भी मन में कुछ प्रलोभन उसके शकल को देख करके और काम वासना को देख करके हुआ होगा, लेकिन बेटे दूसरे ही क्षण उनके विवेक ने काम किया कि अरे मैं तो गुरु का काम करने आया था ना, ये गंदगी नहीं चल सकती, गंदगी नहीं चल सकती। और बेटे वो गर्म तवे पे बैठ गए, जलते हुए तवे पे बैठ गए और उनके चूतड़ बेटे फपोले पड़ गए। उन्होंने कहा ये सजा है, ये कल्पना आई कैसे, ये कल्पना आई है तो उसका परिणाम ही भोगना चाहिए। उसके परिणाम भोगने के लिए उन्होंने स्वयं जलते तवे पर बैठ गए। तीसरा बेटे सदन कसाई था जो रोजाना मार काट करता था, सैकड़ों पशुओं को मार देता था, बकरे बकरी गाय भैंस जो भी मिल जाए सबको मारना उसका धंधा ही था। लेकिन बेटे जिस दिन उसके अंदर भगवान आ गया, उन्होंने कहा कि नहीं अब ये हत्याएं नहीं होंगी, अब ये मेरे बस का नहीं है। क्योंकि बेटे भगवान जब आता है तो संवेदना के रूप में आता है, उदारता के रूप में आता है और इस खुशहाल संसार को और खुशहाल बनाने के लिए आता है, न कि खुदगर्जी के लिए आता है। पिता ने कहा कि सदन क्या भूख से मारेगा क्या हमको, क्यों पिताजी? उन्होंने कहा कि रोज तू मांस खिलाता था और आज तू मांस नहीं खिलाएगा तो हम जिंदा कैसे रहेंगे। उन्होंने कहा कि मैंने प्रण किया है पिताजी, मैं आज से अब कोई भी पशु की हत्या नहीं कर सकता मैं किसी की। कि नहीं करेगा, वो जरा ताव में आ गए। पिता ही तो था, आखिर पिटाता तो उसका बड़प्पन कहाँ जाए, उसे क्या मालूम है अच्छाई है कि बुराई है, वो तो ला हमारे लिए कहीं से भी ला। उन्होंने कहा आप मांस खाए बगैर नहीं मानेंगे तो हम नहीं मान सकते। बेटे उसने लिया अपना पैर काट के अपने पिता के हवाले कर दिया। उन्होंने कहा राक्षस खा इसको खा। उन्होंने कहा कि अपने बेटे की टांग खाऊं, बेटे का मांस? तो उन्होंने कहा कि पिता वो भी तो किसी के बच्चे हैं जिनको रोज रोज अब तक खाते रहे और खिलाते रहे, दूसरों को खिलाते भी रहे और खाते भी रहे, क्या वो नहीं है अपनी माँ के, वो अपने पिता के नहीं है? आपने ये फैसला कैसे किया कि मैं ही आपका बच्चा हूँ और इनमें आपने झांक करके नहीं देखा कि ये भी किसी के बच्चे हैं, ये भी इनके भी अंदर जीवात्मा है, ऐसे कैसे आपने? बेटे आँख खुल गई उसके पिता की। तो मैं क्या कह रही थी, मैं ये कह रही थी बेटे उपासना का दूसरा स्वरूप है साधना। साधना करिए बेटे, जब तक आप साधना नहीं करेंगे तो उपासना आपकी अधूरी है, वो एकांगी है। अभी तक हमको गुमराह किया गया है, उपासना के बारे में हमको गुमराह किया गया है। गुमराह कैसे? पलायनवादी बनिए, माला घुमाइए, स्वर्ग में जाइए, फिर क्या करिए, माला घुमाइए, बेटा बेटी लीजिए और भी कुछ है क्या, धन दौलत ले लीजिए, पांच बेटी हैं छठवां बेटा ले लो, अरे इसी के लिए आए थे क्या? अरे बेटे ये गलतफहमी है तो मैं कहती हूँ कृपा करके आप गलतफहमी को निकाल दें, ये गलतफहमी नहीं चलेगी। भगवान की जो उपासना है वो जीवात्मा के परिष्कार के लिए होती है, इसके लिए नहीं होती। जो आपको वरदान मिलेगा, जो आपको अनुदान मिलेगा वो किसी दूसरे का मिलेगा, आपका मिलेगा क्या? आपका नहीं मिलेगा। मैंने उसी रोज आपसे कह दिया था कि केवल 2.5 रुपया रोज के हिसाब से मिलेंगे, 22.5 रुपये मिलेंगे आपको। आपने 27 माला रोज की है, सो भी आपने ईमानदारी से की नहीं है, वो भी बेईमानी से की है। सारा का सारा लकड़ झंझार आपकी खोपड़ी में भरा रहा है तो आपने वो भी नहीं किया, तो 22.5 रुपये ले जाइए, अपने अपने घर जाइए। और कुछ मिल रहा है इससे ज़्यादा? नहीं कुछ भी मिल रहा है, उससे ज़्यादा मिलेगा तो बेटे जब मिलेगा
कि जितना 2.5 घंटे आपने, 2.5 घंटे तो आपने जप किया है, और बाकी का वक्त अपनी धुलाई करिए, रंगाई करिए, साधना कीजिए, साधिए 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 कि मनुष्य शरीर हमें किसके लिए मिला है, आखिर इसका होना क्या है बेटे। इसका तो एक दिन वो होना है जो सबका होना है। क्या होना है? देख, पशु की खाल काम में आती है, जूते बनते हैं, पुरवर्त बनता है, जाने क्या क्या बनता है, चमड़े का पेटियां बनती हैं, हजारों चीज बनती हैं। और मनुष्य का बेटे, मनुष्य का कुछ नहीं बनता। मनुष्य तो जिस दिन मरता है उस दिन 10-20 मन लकड़ी और ले जाता है साथ में, जलाने के लिए लकड़ी और चाहिए, घी चाहिए, समझा चाहिए, सामग्री चाहिए, कफन चाहिए, कांटी चाहिए, और कम महत्व अकेला जाता भी नहीं है, ये भी नहीं है, साथ में और चाहिए उसे सर पर उठाने के लिए, 4 आगे पीछे चलते और पूरी बारात चलती है। तो बेटे मनुष्य के शरीर का क्या होने वाला है? तो उसके लिए चिंतन करिए कि आपका भी यही होने वाला है एक दिन। तो फिर बेटे होश में आ जाइए, जरा होश में आ जाइए, और अपने ऊपर साधना करिए, साधिए, और लोक मंगल के काम में लगिए। उन्होंने कहा ये पाठ पढ़ा रही हैं आप भी ऐसे? तो गुरुजी कहते थे, अरे तो बेटे गुरुजी और हम एक हैं, दो कैसे समझ लिए तुमने? भाषा की दृष्टि से समझ सकते हो, योग्यता की दृष्टि से समझ सकते हो, हम हैं तो दोनों एक, सिद्धांत एक है, भावनाएं हमारी एक है, क्रियाकलाप हमारे एक है, तो आपने दो कैसे समझ लिए? एक ही है बेटे, वास्तविकता आपको समझनी पड़ेगी। वास्तविकता जब आप समझ लेंगे तो बेटे भगवान आपके रग रग में आ जाएगा, गुरुजी आपके साथ, गायत्री माता हर समय आपका दुलार करती हुई मालूम पड़ेंगी, और माताजी को तो आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं बेटे, आपको जी अनुभव होता रहा कि हमारी माँ हमको दुलार रही है, हमारे दुख कष्टों में एडिक है, बिल्कुल आपका सहारा बनेगी। लेकिन आप भी तो कुछ करिए ना, भगवान का प्यार पाने के लिए बेटे भक्त को कुछ करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि भगवान की भक्ति करें और भक्त को कुछ न करना पड़े, भक्त को करना पड़ता है बेटे। क्या करना पड़ता है? जब भक्ति आ जाती है तो बेटे भक्ति का ऐसा नशा होता है, शराब का नशा होता है, और ये ऐसे ऐसे झूमते रहते हैं, कोई नाली में गिरता है, कहीं कहीं करता है, कहीं क्या करता है, कहीं पैरों से डगमगाते रहते हैं। तो बेटे ठीक इसी प्रकार मैं तो इससे कहूँगी कि इससे 1000 गुना नशा रहता है अध्यात्म में। भगवान जब आ जाए तो बेटे 1000 गुना नशा रहेगा जीवन में, फिर क्या करेगा वो? काम कराएगा। कैसा कराएगा? जैसा चैतन्य महाप्रभु से कराया था, चैतन्य महाप्रभु से कराया था। जब भगवान आया तो बेटे उन्होंने बेटे अलख जगाया काय का, कीर्तन का, भगवान की, भगवान जो नहीं कर सकते थे वो करने के लिए उन्होंने कहा हम भगवान के बेटे हैं, नहीं साहब गुरुजी की तो भक्ति करेंगे और गुरुजी को तो प्रणाम करेंगे और गुरुजी को फूल चढ़ाएंगे और गुरुजी सब सौंप दिया भगवान तुम्हारे हाथों में, गुरुजी लड़की भी सौंप दी और सब सौंप दिया। जानता है सब का ऐसे कहते हैं सौंपना? संकीर्णता सौंप, जो तेरे अंदर में संकीर्णता विराजमान है उसे निकाल। दूर तो कहीं का आया है कहने को गुरु जी सब सौंप दिया हमने आपको, आप ही हैं हमारे, हाँ हम हैं तुम्हारे, लेकिन तो सौंपो तो सही अपने को, हो तो जाओ नंगे अपने बाप के सामने और कह दो हाँ गुरु जी हम आपके हैं, कराइए। फिर बेटे आपको देखना जैसे गुरु जी ने बेटे सारा सर्वस्व अपने गुरु के चरणों में सौंप दिया बेटे, बिल्कुल खाली हाथ है, बिल्कुल खाली हाथ, 3 धोती और 2 कुर्ताओं की कसम है। और बेटे जो 2 साल का बच्चा खाता होगा, मैं समझती हूँ कि वो कुछ ज़्यादा खा जाता होगा 2 साल का बच्चा, जो उनकी खुराक है। मैं ये नहीं कहती कि आप भी ऐसा ही करिए कि आप भी 2 साल के बच्चे की तरह से अपना पेट पालन करिए, ऐसा नहीं कहती हूँ बेटे, पर मैं ये कहती हूँ वो इच्छा शक्ति जागृत होती है अपने गुरु के प्रति, अपने मिशन के प्रति और उन विचारों के प्रति कि हम हैं गुरुजी आपके बच्चे। अरे कितने बच्चे तो यही बैठे हैं, और जो लाखों करोड़ों की संख्या में हमारे बालक हैं वो आप तो जाने क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन आपकी संकीर्णता हटे तब ना, आपकी संकीर्णता तो हटती नहीं है, वो तो पग पग पे चलती है, जो कुछ होगा बीवी के लिए होगा,
बच्चे के लिए होगा, नाती पोतों के लिए होगा और समाज के लिए भी होगा क्या? नहीं, समाज से हमें क्या लेना देना? जिस समाज में हमने जन्म लिया है और जब तक मरेंगे समाज का ही उपयोग करेंगे, तो बेटे क्या समाज का हमारे ऊपर कोई ऋण नहीं है? इसको बगैर चुकाए ही संसार से जाना चाहते हैं, जाना चाहते हैं तो बेटे जाइए, जाइए, गुरु का ऋण ले जाइए, समाज का ऋण ले जाइए, लेकिन याद रखना अगले जन्म में आपको देना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा। आप बनिए गधा, फिर गुरुजी लगाएंगे डंडे आप में, तो क्या बात है? अरे बात क्या, जो ऋण लेके आया सो चुका, लद लद, तब पछताना कब? अगले जन्म में। बेटे अगले जन्म की अपेक्षा तो इसी जन्म को आप सार्थक कर लें तो क्या हर्ज की बात है? मैं तो आपको थोड़ी दिशा और धारा दे रही थी कि आप चिंतन करिए, अपने को साधिए, साधिए। जब तक आप नहीं साधेंगे तब तक आपके अंतःकरण में वो भावना ही पैदा नहीं होगी कि हमको कुछ करना भी है क्या, हमें क्या, हम अपने घर में चैन से हैं, दूसरे के घर में आग लग रही तो लगने दो, दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत लूट रही है तो लूटने दो, हमारी की थोड़ी लूट रही है। नहीं बेटे, फिर आप तहस में आ ही जाएंगे। उन्होंने कहा तो दूसरे की बेटी है तो हमारी भी तो बेटी है, दूसरे की बहू है वो हमारी बहन और बेटी होती है, ऐसे कैसे हो सकता है, दहेज कैसे ले सकते हैं, देखा जाएगा न हम किसी के यहाँ जाएंगे और न जाने देंगे, जाएंगे न जाने देंगे। ऐसी क्या बात है कि जरा जरा से गुंडे और हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं, कैसे हो जाएंगे, हम इतने हैं, देखे कैसे हो सकता है। बेटे हमारा मनोबल साथ नहीं देता, तो हम डर के मारे, जहाँ एक दी क्या बस प्राण निकल गए उसके, प्राण निकल गए। क्यों निकल गए? उसके मनोबल ने साथ नहीं दिया। और मनोबल साथ दे जाए तो बेटे फिर तो दयानंद की तरह से हो जाएंगे। दयानंद की तरह से कैसे हो जाएंगे? दयानंद एक बार गए और राजा था एक वेश्या थी, तो दयानंद से नहीं रहा गया। दयानंद बोले कि क्यों रे कुत्ते, इस कुतिया के पीछे लगा फिरता? राजा से कहा किन्ने? दयानंद ने। अब बेटे दयानंद ने नहीं कहा था, उनके अंदर जीवात्मा बैठी थी, जो उपासना से उन्होंने अपने को परिष्कार किया था और जो उन्होंने जीवन में साधना की थी उसका था। नहीं, पहले तो इसी हरिद्वार में आए थे और उन्होंने वो झंडा लगाया था और वो सफल नहीं हुआ, किसी ने नहीं सुना। और जब बेटे अपने को तपा लिया तो आर्य समाज की स्थापना की बेटे, और उन्होंने वो शब्द कहे जो मैं अभी आपसे कह रही हूँ। और बेटे वो राजा लज्जित हो गया, उसने सर झुका लिया और उन्होंने हाथ जोड़ कर गिड़गिड़ाते हुए अपनी गलतियों की क्षमा मांगी। किसने? उसने। फिर आपके अंदर वो आत्मबल हो जाएगा कि आप जो कुछ कहना चाहते होंगे धड़ल्ले से आप कहेंगे, आपको कोई भी डर नहीं होगा। पर पहले इस लायक आप बनाइए तो सही। हर समय वही भिखारी लाओ, संतोषी माता आप भी लाओ, और माँ जाएंगे मनसा देवी पे जाएंगे, माँ भी बिचारी की दुर्गत बनाए आएंगे, माँ भी स्वस्तिक लगाए आएंगे, गो कुछ नहीं मिलेगा, रोली नहीं मिलेगी तो गोबर चिपकाए आएंगे, जैसे गलीज खुदे वैसी गलीज उसको भी बना देते हैं। नहीं बेटे ऐसा मत करिए, ऐसा करने से तो आपकी जीवात्मा गिरती है, भगवान के सामने गिरती है। कैसे छोटे तबीयत के, अरे मांगना है तो कुछ बड़ी चीज़ मांगिए, शांति मांगिए, शक्ति मांगिए, भक्ति मांगिए, साहस मांगिए जो आपके जीवन में काम आए, फिर वो चीज़ मांगिए। बेटे जो जमनालाल बजाज ने कहा था, क्या कहा था गांधी जी से, गांधी जी ने ये कहा कि मेरे पास साधन नहीं है, शक्ति है, और मैं शक्ति, सारी शक्ति अपने लोक मंगल के लिए और राष्ट्र को ऊंचा लगाने के लिए मेरा प्रयास चल रहा है और चलता रहेगा जब तक जीवन रहूँगा। आप वो जमनालाल बजाज बोले, उन्होंने कहा आप पिताजी आप ऐसा कह रहे हैं, आपके पास नहीं है, हम काये के लिए हैं, सर्वस्व हमारा आपके लिए, आपके लिए अर्थात राष्ट्र के लिए था। वो बेचारे क्या करते, आधी धोती पहनना शुरू करती, वो गरीब क्या करते, धन दौलत का
नहीं बेटे, तो बेटे सारा का सारा जमनालाल बजाज उनके साथ हो गए, साथ हो गए। कोई कमी आई क्या? नहीं बेटे, कोई कमी नहीं आई। गांधी जी ने अपना मनोबल बनाया और अपनी शक्ति जागृत की, तो बेटे कोई कमी आई उनके जीवन? अरे जा, कमी आई होगी तेरे में। मैं कहा आधी धोती, अरे जा, उनकी तो बकरी अंगूर खाती थी, तुम्हें तो खुद नसीब नहीं होंगे खाने को अंगूर, जिसका वो दूध पीते थे। कोई कमी आई? नहीं कमी आई। उन्होंने नहीं खाया, उनकी बात जाने दीजिए, वो संत थे और राष्ट्रपिता थे। उन्होंने तो सारे राष्ट्र को ऊंचा उठाने के लिए दर दर और झोली फैलाते हुए वो निकलते थे, और जिधर निकलते थे बेटे उधर वर्षा होती थी, वर्षा होती थी। क्यों? उन्होंने अपनी संकीर्णता को छोड़ दिया था, और संकीर्णता को नहीं छोड़ा होता तो बेटे वो कौन बनते? वो जैसे साधारण वकील बनते, सो वकालत भी नहीं उनसे तो होते बनी, वो भी नहीं होते बनी थी, तो वो बेचारे करते क्या? पर मैं कह रही हूँ, भगवान का पल्ला पकड़ने से मनुष्य क्या से क्या हो जाता है बेटे? भक्त हो जाता है, देवता हो जाता है। देवता ही नहीं, वो भगवान की श्रेणी में भी आ जाता है। कैसे आ जाता है बेटे? जब अपना परिष्कार कर लेते हैं तब, जैसा कि बुद्ध ने किया था। जिस लड़के को ये नहीं मालूम था कि ये जो लाश जा रही है, जो मरी हुई है कि जो जिंदा है, उसने पूछा छत पर से किसी से, उन्होंने कहा ये क्या जा रहा है? उन्होंने कहा ये मरा हुआ आदमी जा रहा है। मरा हुआ मरना भी पड़ता है? हाँ मरना भी पड़ता है। और जी कौन जा रहा है जो लाठी टेक रहा है या झुक के चल रहा है? तुम्हें नहीं मालूम है? ये बुढ़ा हो गया, इसका शरीर बूढ़ा हो गया। बुढ़ा भी होता है और मरता भी है? हाँ मरता भी है, बुढ़ा भी होता है। उन्हें अच्छा ऐसा भी होता है। और बेटे उस दिन से जो आत्मबल उन्होंने पैदा की और जो उपासना की, उससे उनका परिष्कार हुआ। और बेटे बौद्ध धर्म की स्थापना की किन्ने? उस राजकुमार ने की, जिसको होश ही नहीं था, जो बिल्कुल बेअकल था, बुद्धू था। बुद्धू फिर कौन हो गया बेटे? बुद्ध भगवान हो गए, बुद्ध भगवान हो गए। और उन्होंने किया, उनके अनुयायियों ने, उनकी अनुयायियों के तो कहाँ कहाँ तक आपको नाम गिनाऊँ मैं बेटे। चलिए वो भगवान थे, लेकिन अंगुलीमाल तो भगवान नहीं था, संगमित्रा तो नहीं थी, महेंद्र तो नहीं था, वो तो शिष्य थे बेटे। शिष्यों ने कमाल का काम कर दिया, जब अंतर आत्मा को अपनी को धो लिया तब। तो बेटे मेरा आपसे निवेदन यही था कि जो उपासना आप करते हैं, भले से आप एक घंटा कीजिए, आधा घंटा कीजिए, हम इस बहस में नहीं पड़ते कि आपने कितनी की, लेकिन भावपूर्ण करिए, भावपूर्ण करिए, और संवेदना के रूप में उस भगवान को अपने पास लाइए, लाइए जिसकी आप आराधना करते हैं, जिसकी आप उपासना करते हैं, उसको लाइए, उसको लाइए बेटे। नहीं तो आपके हाथ में कुछ लगने वाला नहीं है, नहीं तो फिर आप वैसे ही भक्त रह जाएंगे। अभी मैं भक्तों की और श्रेणी बताऊंगी, अभी तो मैंने वो भक्त बताए हैं, अभी वैसी भी बताने वाली हूँ जैसे कि आप बैठे हैं, ऐसी भी बताने वाली हूँ बेटे। कौन सा? एक था राजा और दो थे माली। दो माली थे, माली आए तो उन्होंने कहा कि ये ऐसा मालूम पड़ता है कि इनके पास कुछ है नहीं और ये गिड़गिड़ा रहे। उन्होंने कहा बेटे यूँ मत गिड़गिड़ाओ, चलो मैं तुमको एक बगीचा देता हूँ। और उस बगीचे के दो हिस्से कर दिए राजा ने। उन्होंने कहा कि देखो भाई, ये तेरा है और ये तेरा है, कौन तुम में से इस बगीचे को खूबसूरत बना सकता है ये मुझे देखना है। पैदावार की दृष्टि से, खाद पानी की दृष्टि से मैं देखता हूँ कि आप किस तरीके से इसको कामयाब बना सकते हैं। तो बेटे बड़े खुश हो गए दोनों, ऐसे हो गए भक्त के पास कुछ पूछो ही मत। जैसे कई बार मेरे पास आते रोते ही चले आते, और जब मैं उनसे झांक के देखती हूँ उनकी अंतरात्मा में, तो लगता है ये तो छूछ हैं बिल्कुल खाली, भावनाओं की दृष्टि से ढोल के आंसू में सुबह रहे हैं ये, और भावनाओं की दृष्टि से है जो जड़ है, इनके ऊपर कोई असर नहीं है। न गुरुजी का असर है, न गुरुजी की भावनाओं का है, न गुरुजी के क्रियाकलाप का है, न गुरुजी के सिद्धांतों का कोई असर नहीं है इनके ऊपर। तो बेटे मैं देखती रहती हूँ। तो उन दो मालियों का क्या हुआ? एक माली था, उसमें वो था जैसा मैं अभी आपसे संकेत कर रही हूँ अपने बच्चों के लिए, इनको बुरा लगेगा तो लग जाएगा, लेकिन असलियत तो मुझे बतानी है। तो बेटे एक माली था, बस वो तो उसने राजा का चित्र बना रखा था,
लगा रखा था चौकी पे, बस जरा भी धूल हो जाए, जंगली तो था, फिर झाड़ दे, फिर फूल रख दे, फिर सुबह भी आरती, शाम को भी आरती, दोपहर को भी आरती, और बस उसी में मग्न बना रहता था। कौन से में? राजा कितना दयालु है, कितना परोपकारी, आहा है, जी तो भगवान है, भगवान है, इसकी हम पूजा करें, पूजा करें। बस वो दिन रात उसी में लगा रहता था, गोरख धंधे में, घंटड़ी घुमाने। और दूसरा जो माली था वो ठीक उसके विपरीत था। उन्होंने कहा कि जिस राजा ने हमको ये बगीचा सौंपा है वो हमारा कर्तव्य होता है, हमारा फर्ज होता है कि इसको और सुंदर बनाया जाना चाहिए। जितने पौधे इसमें सड़ गए हैं, गल गए हैं, इनके स्थान पर दूसरे लगाए जाने चाहिए। और जब राजा आए देखे तो उसकी तबीयत खुश हो जाए और ये कहे कि वारे माली हो, पम माली हो, बेटे ये संसार क्या है? ये संसार विशुद्ध रूप से बगीचा है जो भगवान ने हमारे हाथों में सौंपा है, सौंपा है। वो हमारा और आपका कर्तव्य होता है कि इस बगीचे को खूबसूरत बनाएं, जहाँ कहीं ये विकृतियाँ हैं उन साहस के साथ उनको हटाएं, हटाएं, लड़ें, लड़ें। काहे से लड़ें? डंडे से लड़ें? नहीं बेटे, डंडे से नहीं लड़ें, सिद्धांतों से लड़ेंगे, सिद्धांतों से लड़ेंगे, वाणी से लड़ेंगे, मधुरता से लड़ेंगे। और जो साहित्य में जो गुरुजी ने आग फूंकी है बेटे, आग फूंकी है, उसको हम जन जन पहुँचा करके ही मानेंगे बेटे। तो उस माली ने यही काम किया जो मैं दूसरे का उदाहरण दे रही हूँ। उसने कहा कि हमको कार्य सौंपा है, हम मरेंगे गलेंगे लेकिन इसी के लिए होंगे। साल गया, दो साल गया, राजा का उधर से निकलना हुआ, निकलना हुआ, उन्होंने कहा कि जरा बगीचा देख करके तो आऊँ कि इन दो मालियों ने क्या किया। बेटे जब घुसा तो पहले वो ही भक्त पहुँचे, सबसे आगे वो ही पहुँचते हैं, बेचारा जो वैसा है वो तो पीछे रह जाएगा, वो सबसे पहले आगे पहुँचेगा। तो बस उसने साष्टांग प्रणाम किया लेट के, और साष्टांग प्रणाम नहीं किया और बस उसने आंसू बहाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा भक्त वत्सल, आप इतने दिन में आए हैं, मैं तो आपकी पूजा करते करते थक गया, और देखिए जी आपका चित्र रखा है, और मैं भी सूख सूख के कांटा होता जा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपकी भक्ति करता रहता था, मैं तो भक्त हूँ, भक्त तू भक्त है। उन्होंने जब निगाह उठा के देखा तो सारा बगीचा उजड़ा हुआ पड़ा था, उजड़ा हुआ पड़ा था। तो उसके प्रति उनको इतनी गुस्सा आई उस राजा को, उसने कहा तो कुछ नहीं पर वो तिलमिला गया कि मैंने इतना सुंदर बगीचा इस जाहिल के हाथ में सौंपा था, इस जाहिल ने जो चौपट कर दिया इसके लिए सौंपा था। बेटे अब वो दूसरे माली के पास पहुँचा, उनका जरा इसने तो जो किया है वो तो मैंने देख लिया, पर अब दूसरे माली के पास जाता हूँ जरा उसका तो देखूँ कहीं ऐसा वो भी ऐसा ही भक्त तो नहीं है, तो मैंने किन के हाथों में सौंप दिया? बेकार निर्जीवों के हाथ में, मुर्दों के हाथ में सौंप दिया, जिसके अंदर कोई शक्ति नहीं है, जीवन नहीं है। बेटे जब वो दूसरी जगह गया, राजा जहाँ पहुँचा तो वो तो पहचान भी नहीं पाया, राजा को नहीं पहचान पाया। थोड़ी देर उसने देखा, उसको समझ में आया, अरे ये तो राजा हो सकते, आइए। तो उन्होंने कहा कि क्यों भाई तुमने क्या किया? उन्होंने कहा देखिए मैंने तो अपने फर्ज और कर्तव्य में कोई कमी नहीं छोड़ी है, पर आप इंक्वायरी करिए, आप देखिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी साधना में कोई कमी तो नहीं रह गई। कोई कमी रह गई हो तो आप मुझे बताइए, अब की बार मैं अपनी भूल को सुधार लूँगा। मेरी जो कमी होगी, मेरी जो भूल होगी, जाने और अनजाने में, अगले बार मैं सुधार के आपको बता दूँगा। कृपा करके आप ये बताइए कि इस आपके बगीचे में कोई कमी है क्या? बेटे जितना बगीचा उसके हाथ में दिया था वो 100 गुना जा करके फल फूल रहा था, 100 गुना फल फूल रहा था। तो उन्होंने ये कहा कि बेटी ये काय के पेड़ हैं। उन्होंने कहा कि ये आमों के पेड़ हैं, तो तुझे मालूम है ये काय के हैं? तूने चखाया कोई आम? कौन सा मीठा है, कौन सा खट्टा है? उन्होंने कहा नहीं, मेरा तो केवल कर्तव्य था और फर्ज था, वो मैंने निभाया। आपने ये कहा होता कि तू चख लेना तो मैं चख लेता, आप देंगे तो मैं खा लूँगा,
मैंने नहीं, तेने ऊपर से गिरा वो भी नहीं खाया। नहीं नहीं, मैं दूसरे के हक को मैं क्यों खाऊंगा। कहा नहीं, मैंने नहीं खाया, इसमें जो कमी हो वो आप बताइए। तो बेटे मैंने आपको दोनों ही परिभाषा समझा दी, कौन सी, एक तो भक्त की, दोनों ही भक्त थे, दोनों भक्त थे, लेकिन बेटे श्रेष्ठ कौन सा भक्त था? श्रेष्ठ था वो जिसने उस बगीचे को संभाला। कौन से बगीचे को बेटे? संसार रूपी बगीचा। वो तो मैं उदाहरण दे रही हूँ आपके लिए, कैसा बड़ा उद्यान है जो गुरुजी ने आपको सौंपा है। आपके हाथ में तो बेटे पका पकाया माल है, आपको पकाना पड़ रहा है क्या? और भक्तों को पकाना पड़ा था और शिष्यों को पकाना पड़ा था, रामकृष्ण परमहंस जब चले गए बेटे, उसके बाद विवेकानंद और अन्य हो गए और उन्होंने फैलाया। सर कब? जब वो मर गए तब। उन्होंने कोई साहित्य लिखा था क्या? उन्होंने कोई समाज सेवा की थी क्या? नहीं बेटे, हमें नहीं मालूम क्या किया था, हमें तो पीछे का मालूम है, आगे का तो कुछ मालूम नहीं। आगे का तो वो केवल भक्ति में रहते थे, शक्ति देते थे बस, और कुछ काम किया था नहीं बेटे। और इन्होंने इन्होंने तो बेटे खून और पसीने से सींच करके आपको कितना बगीचा हाथ में आपको थमाया है, थमाया है। वो साहित्य के रूप में सारी आग उड़ेल दी है, सारी आग उड़ेल दी है बेटे। और यहाँ प्रशिक्षण से लेकर के और बाहर शक्तिपीठों से लेकर कितना स्वरूप उन्होंने खड़ा किया है आप नहीं जानते, ब्रह्मवर्चस्व से लेके और गायत्री तपोभूमि से लेके और शांति कुंज से लेकर के, और किसी ने नहीं किया बेटे, गुरुजी ने किया है। हर समय ज्वाला की तरह से धधकते रहते हैं, धधकते रहते हैं। तो बेटे आप उनकी आग में शामिल हुए हैं कि नहीं हुए मुझे नहीं मालूम, लेकिन बेटे मैं तो हो गई। मुझे तो ऐसा अनुभव होता है बेटे कि वो चिंगारी अब मेरे अंदर भी सुलगने लगी है, सुलगने लगी है। क्यों सुलगने लगी है बेटे? इसका भी कारण है, इसका कारण वो है जो कहते रहते हैं, क्या कहते रहते हैं, हम तो समर्पण हैं, समर्पित हैं गुरुजी आपके लिए। ऐसे ही समर्पित होते हैं क्या बेटे? जो समर्पित होता है वो चैन से नहीं रहता, चैन से नहीं रहता है। मैंने 8 जनवरी को, मैं कहना नहीं चाहती पर मुंह पे आ गई है तो मैं कह ही देती हूँ बेटे, 8 जनवरी को जब मैंने खून देखा तो मैंने कसम खा ली। मैंने कहा ये कदम आगे उठेगा, पीछे नहीं हटेगा। हर समय उनके कदम से कदम मिल करके चला है, और अब पूरे उत्साह और साहस से चलेगा। कोई दिगाने वाला इस पृथ्वी पर पैदा नहीं हुआ है अभी, और न है और न होगा। वो बेटे आत्मबल समर्पित हैं, समर्पित पत्नी है इसके नाते भी, और समर्पित हैं बेटे मिशन के लिए, कहा गुरुजी के लिए। हाँ बेटे गुरुजी के लिए तो मैं समर्पित हुई हूँ, उनके लिए तो मेरा नतमस्तक है ही है, पर बेटे उनके क्रियाकलापों के लिए मैं उनसे भी ज़्यादा हूँ। उन्होंने प्रथम दिन ही मुझसे ये कहा था कि देखो तुम भावुक बहुत हो, जो दृश्य तुमने देखा है कभी तुमने जाना भी नहीं। एक कुत्ता मर गया था, यहाँ मैं जा रही थी तो रिक्शा रुकवा करके और दूसरे की झोंपड़ी में से स्वयं पानी लाए थे, मुझे उसे देख करके चक्कर आ गया था। किसको? घायल कुत्ते को देख करके आ गया था। और बेटे जो भेड़िया, और मैं क्या कहूँ बेटे, बहेलिया कह सकती हूँ, जो मेरे कृष्ण पर आक्रमण किया और जो मैंने अपनी आँखों से देखा, मैंने कहा मैं वचनबद्ध हूँ आपके लिए और आपके मिशन के लिए, वो मेरा है, क्योंकि मैं माँ हूँ, इन बच्चों की माँ हूँ। आपका ही नहीं है उसमें हिस्सेदार, मैं भी हिस्सेदार हूँ। तो मैंने कहा ये कदम जो आज आपके सामने मैं बैठी हूँ, मैंने ज़िंदगी में कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मुझे कभी 2 शब्द अपने बच्चों से कहने पड़ेंगे क्या, सिवाय इसके कि मैंने घर गृहस्थी की पूछने के अलावा कभी मैंने 2 शब्द उनसे नहीं किए। नहीं गए बेटे, वो कौन कहलवा रहा है बेटे? वो शक्ति कहलवा रही है। कौन सी? समर्पण की कहलवा रही है, समर्पित की कहलवा रही है, और वही करा रही है।
वही करा रही है बेटे, समर्पित काय से कहते हैं। वो मैंने आपको थोड़ी सी झलकी आपको दिखाई और मैंने अपने शब्दों में बताया, मैं इसका अपना अहंकार नहीं बता रही हूँ, ये नहीं आपसे कहना चाहती कि मेरे अलावा कोई नहीं। बेटे आप भी हो सकते हैं, क्यों नहीं होंगे, पर होंगे तब जब अंतरात्मा से आप पुकारेंगे तब, और अपनी क्षुद्रता को छोड़ेंगे तब। कैसी क्षुद्रता बेटे, फिर आप मालिक हो जाएंगे। हाँ बेटे, इस संसार के मालिक हो जाएंगे, और भक्त जो होता है वो मालिक हो जाता है काय का, भगवान का, भगवान की पूंजी का, और भगवान का मालिक हो जाता है। कैसे हो जाता है मालिक, ऐसे हो जाता है बेटे, जब पत्नी घर में आती है, ब्याह करके आती है, न करे भगवान दूसरे ही दिन उसका पति चल बसे तो बेटे जो भी उसकी संपत्ति है उसकी मालिक हो जाती है पत्नी। क्यों, ऐसा क्यों होता है? अरे बेटे इसलिए होता है कि जिस दिन से, जब से भामर उसकी पड़ी और पति के घर में गई, बेटा सर्वस्व पति के चरणों पर अर्पण कर दिया उसने, सारा का सारा छोड़ आई। जो कल छोकरी उठाने से नहीं उठती थी, माँ जगाती थी तभी वो जगती नहीं थी, काम नहीं करती थी और हटबाजी करती थी, और दूसरे ही दिन क्या हो गया जी? अरे बेटे कुछ का मारा कुछ हो गया, बदल गए किनारे, बदल गए उसने, मुंह मोड़ लिया ना उसने, उसने पिछले जीवन से अगला जीवन शुरू। उन्होंने कहा कि पीछा तो हम छोड़े आए माँ का जीवन छोड़े आए, अब किसका आ गया बेटे, अब आ गया अपने दाम्पत्य जीवन का और पति का। तो बेटे मालिक हो गई, हाँ हो गई। आप किसी की मालिक हो जाएंगे क्या? आप नहीं हो सकते, पत्नी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? कि उसने समर्पण किया है इसलिए हो जाएगी। आप भगवान के उत्तराधिकारी बन जाएंगे क्या? नहीं बेटे, आप में शक है मुझे बन जाएंगे। क्यों? कि आपके अंदर वो चालाकियाँ भरी हुई हैं कि जो भगवान के भक्त के अंदर नहीं होनी चाहिए। कौन कौन सी चालाकी? 5 पैसे की माला, भगवान बिल्कुल खुश हो जाएंगे और जो मांगेंगे सो दे जाएंगे। 5 पैसे में 5 वरदान तो ले ही लेंगे, इससे कम तो लेके ही नहीं हटेंगे, बेटे से लेके बेटी तक और ब्याह से लेके मुकदमे तक 5 वरदान से कम नहीं लेंगे। तो बेटे ये जो चालाकी हमारे अंदर भरी हुई है, क्या हमको भक्त कहलाने लायक छोड़ेगी क्या? हम भक्त नहीं कहला सकते, और जब तक हम भक्त नहीं कहला सकते, भक्त है नहीं, कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे, हमारी जीवात्मा तो जानेगी। आपने गले में तो डाल के देखें कि हम आखिर हैं क्या, आखिर हैं क्या। तो जब तक हम अपने को परख नहीं पाएंगे, अपने को समर्पित नहीं कर पाएंगे, तब तक भगवान हमारे पास आएगा कैसे? और भगवान नहीं आएगा तो उसकी संपत्ति के मालिक कैसे हो जाएंगे? फिर आप नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते बेटे। वेश्या में पत्नी में फर्क होता है, वेश्या मनोरंजन कर सकती है, अधिकारिणी नहीं हो सकती, और पत्नी पूरे की अधिकारी होती है जो पत्नी है। इसलिए मैं आपसे, मेरा निवेदन यही था कि बेटे अपने स्वरूप को समझिए, अपने स्वरूप को समझिए, और स्वरूप को समझ करके आप उस शक्ति को पैदा करिए, आराधना करिए। आराधना कौन सी बेटे? भगवान के समीप, भगवान के समीप, भगवान का प्यार। और भगवान का प्यार कब मिलेगा बेटे? भगवान का काम करेंगे तब। भगवान का काम भी करना पड़ता है। अरे बेटे मैंने बताया था ना, नाम से ज़्यादा काम करना होता है भक्त को। कैसा करना पड़ता है? जैसा कि बेटे ग्वाल वालों ने किया था, कृष्ण उठा रहे थे गोवर्धन पर्वत को, उन्होंने कहा कि हमारा भगवान पर्वत उठा रहा है और हम ऐसे ही देखते रहेंगे? कि नहीं, ऐसे नहीं देख सकते, हम लाठी उठा करके चलेंगे। उनकी लाठी से उठ गया कि नहीं उठ गया? अरे बेटे उठा के नहीं उठा, रहने, वो तो भगवान का काम था, वो तो कर लेते, वो हो ही गया था, लेकिन श्रेय उनको लेना था। उनकी भावनाओं ने कहा कि हम चलते हैं भगवान के आगे आगे हम चलेंगे, हम कहेंगे भगवान हम आपके हैं, आपके कार्य के लिए आपका गोवर्धन पर्वत हम उठाएंगे। और बेटे उठाया उन्होंने, लाठी लगाई। और बताऊँ भक्तों का, बेटे शंकराचार्य थे और जब उनके अंदर भगवान आया तो बेटे शंकर की, बेटे उन्होंने अलग जगह सारे संसार में घूमे, और कहते हैं उनको 16 वर्ष की आयु में भगंदर का फोड़ा हो गया था और 32 साल की उम्र में उनका देहावसान हो गया।
बेटे भगंदर का फोड़ा लिए लिए फिर कौन फिर आ रहा था? उनकी शक्ति बेटे, उनका भगवान, उनकी रूहानियत। हम और आप होते तो बस अरे मरे गए चले गए, अरे मौत आवेगी जब तो आवेगी, उससे पहले ही मर रहा है तू, तो मौत आवेगी 6 महीने पीछे और तू मर रहा है आज, क्योंकि तेरे दिमाग पर वो बीमारी बीमारी हावी है ना, तो तू तो आज नहीं मरेगा कल नहीं मरेगा, मरेगा जरूर निश्चित मरेगा देख लेना। क्यों मरेगा? कि सारे दिन बीमारी जो होती है सवार। और बेटे जब कार होता है तब बीमारी एक तरफ रख के है, बीमारी क्या करेगी? और बता दूँ बेटे, देखो उसकी माँ भी बाधक थी, जैसे संभव है आपकी माँ भी हो, आपकी बीवी बाधक हो सकती है, पर सबसे ज़्यादा आप बाधक हो सकते हैं, बीवी आपकी नहीं हो सकती, माँ आपकी नहीं हो सकती। अपनी संकीर्णता ही मनुष्य की होती है जो हमें आगे चलने से रोकती है। कौन रोकता है? माँ ने कहा कि मैं तो अपने बेटे की शादी करूँगी। शादी? उन्होंने कहा ये क्या किया, ये तो जंजाल में फंसाए दे रही है मुझे, मैं तो भगवान का, मुझे तो काम करना था, भगवान के काम में हाथ बटाना था, भगवान ने हमको पैदा किया, इतना बढ़िया हमको शरीर दिया जो लाखों करोड़ों रुपए का शरीर हमको मिला है, तो कुछ करने के लिए मिला है कि जंजाल में फंसने के लिए मिला है? उन्होंने कहा माँ शादी करेगी, तू नहीं माने? हाँ बेटे मैं कैसे मान सकती, मेरे यहाँ बहू आनी चाहिए, बहू आवेगी, बाल बच्चे भी होंगे। तो उसे कल्पना आई जी तो नरक कहाँ से आया मेरे पास नरक? न कहा अच्छा माँ चलो गंगा जी नहाने चलते हैं। गंगा जी नहाने गए तो उन्होंने जरा बहाना लगाया, बहाना लगाया, जैसा कि गुरुजी ने भी एक बार अपनी माँ को चकमा दिया था, सुनाऊंगी कैसा चकमा दिया था। तो जड़ जा करके उस गंगा जी में पैर नीचे धसा दिया। उन्होंने कहा माँ माँ माँ। उन्होंने क्या बेटे? अरे माँ मगर ने पैर पकड़ लिया मेरा। अब रोने चिल्लाने लगी, अब वो खींचे, माँ खींचे बेटा खींचा ही नहीं, क्योंकि मगर थोड़ा ही था, वो तो माँ से पिंड छुड़ाना था। उन्होंने कहा माँ आज मगर नहीं छोड़ता। उन्होंने कहा बेटे मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, तेरे लिए मैं सर्वस्व दांव पे लगा सकती हूँ, क्योंकि मैं एक माँ माँ हूँ अपने बेटे के लिए, जो तू कहेगा बेटे सोई में करने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने कहा कि माँ शंकर जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कि मेरा काम करेगा तो मैं छोड़ दूंगा, छुड़वाता हूँ, शादी नहीं करेगा। नहीं बेटे मैं नहीं कहूँगी, मैं नहीं कहूँगी। और जट माँ का कहना हुआ, चट से वो आ खड़े हुए बेटे। जो प्रलोभन हमको गिराते हैं बेटे, प्रलोभन। अब प्रलोभन को एक तो लात मार देते हैं तो कोई नहीं फटकता, फिर हमारी दिशा बिल्कुल साफ हो जाती है। मेरा कहने का तात्पर्य आप समझ गए होंगे, मैंने तो उदाहरण आपको दिया है, इनका शंकराचार्य का दिया, दो मालियों का दिया। उसका क्या मतलब था? उसका मतलब यही था कि आप अपना अपना मार्ग चुनिए कि आपको किधर को जाना है, आपको मार्गदर्शक ने कितनी आपके लिए मदद की है, कितना आपके लिए साधन जुटाए हैं आप कल्पना नहीं कर सकते। साधन का मतलब मेरा विशुद्ध साहित्य से है, जिसमें कि आपको प्रेरणा मिलती है, जो आप दूसरों को दे सकते हैं, लेकिन आपके मन की वो संकीर्णता ही नहीं छोड़ती, तो आप करेंगे क्या? नहीं कर सकती, क्योंकि आपके अंदर वो भक्ति अभी पैदा नहीं हुई है। भक्ति कौन सी हो गई है? भक्ति केवल हुई है तो मालाओं तक सीमित हो गई है। तो बेटे माला करेंगे तो क्या हो जाएगा? चल तेरी एक की मुक्ति हो जाए तो बाकी का क्या हुआ, हो जाएगा? चल इतने कई करोड़ हैं उसमें से एक कम हो जाएगा। अच्छा ज्ञान नरक पैदा होता है, माँ बैठा रहेगा तो माँ भी बेटा जहाँ तू बैठेगा स्वर्ग को भी नरक बना लेगा। क्यों बना लेगा? जो संस्कार हम इस जीवन में लेकर के जा रहे हैं वही संस्कार हमारे जहाँ कहीं भी जाएंगे वहीं उत्पन्न होंगे बेटे, बिल्कुल होंगे। मैं कल ही एक उसका मैंने पढ़ा था, मैंने मृत्यु और उससे संबंध था पुनर्जन्म से, तो उसमें एक बनरिया का था, मैं चलो सुनाई दूँ, मेरे मुँह पे आ गई तो सुनाई दूँ। एक बनरिया थी और किसी उसके गडरिया के हाथ में पड़ गई। उन्होंने कहा मैं क्या करूँगा, मैं तो गडरिया हूँ। तो उनने एक उसको दिए जिसके यहाँ बहुत कोई कारखाना था, क्या विदेशी था, उसको सौंप दी बनरिया। वो क्या करता था, उसको पशु रखने की बहुत चाव था, बकरी भैंस गाय जाने क्या क्या रखता था, उसे पालने की बहुत आदत थी। अब उस बनरिया में जो संस्कार पाए गए
वो ये पाए गए कि जी अगले जन्म में कोई मनुष्य होगी, उसका हर क्रियाकलाप, कोई यहाँ तो नहीं बिछुड़ गया पशु, कोई यहाँ तो नहीं रह गई बकरी, कोई कहाँ तो नहीं रह गया। बेटे थोड़े दिन बाद उसने क्या किया है कि जो गड़रिया उसके यहाँ रहता था पशुओं के लिए चराने के लिए, तो उन्होंने कहा थोड़े दिन इसकी छुट्टी कर दो, देखे इस बंदरिया का। आह बंदरिया का, उन्होंने कहा कि जी गड़रिया एक तरफ और जो बंदरिया एक तरफ। जी बंदरिया ने तो ऐसा कर दिखाया कि कोई कोई बकरी का बच्चा उधर इधर उधर रह गया और ढूंढने निकली और फिर उस बकरी के बच्चे को ले आई, बकरी के बच्चे को ले आई और चारा चारा जितनी देर उनको खिलाना था उतनी देर खिलाया और सबको वापस ले करके आई। बेटे संस्कार ये होते हैं, जैसे हमारे इस जन्म में संस्कार है तो हमारे अगले जन्म में जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। इस जन्म में आप अपना परिष्कार कर पाएंगे तो अगले जन्म में भी जहाँ कहीं भी आप जाएंगे, किसी भी योनि में जाएंगे, वहाँ भी माँ भी आप परिष्कृत होकर के जाएंगे। अभी मैं कह रही थी कि मैं बताऊंगी कौन सा बताऊंगी उदाहरण, वो बताऊंगी कि गुरुजी ने भी एक बार अपनी माँ को चकमा दिया था, कौन सा दिया था। बेटे रूहानियत से है ये और संकल्प बल से है कि हमको काम करना है, हमको काम करना है तो हम परिवार की नहीं सुनेंगे, माँ की भी एक दफ़े को बात नहीं सुनेंगे, पिता की भी नहीं सुनेंगे। जैसा कि ध्रुव ने पहराद ने भी अपने पिता को ठुकरा दिया था, उन्होंने कहा कि पिता हमको गलत बात बताएगा तो हम ऐसे पिता को भी छोड़ देंगे और माँ को भी छोड़ देंगे। बेटे तो क्या हुआ था कि छोटी उम्र थी तो कांग्रेस आंदोलन में उनको भाग लेना था, तो भाग तो ले रहे थे बहुत दिन से, लेकिन उस दिन था उनका जाने का ही था कि आज तो किसी भी हालत में हमको यहाँ से जाना है, घर के जंजाल से नहीं, ये घर वाले हमें कुछ करने नहीं देंगे। तो बेटे उन्होंने बहाना बनाया, बहाना का एक कोठरी बंद कर दिया घर वालों ने, जी ऐसे नहीं मानेगा, इसी में बंद कर दो, इसी में खाना दो, इसी में जो कुछ है सो इसी में कराओ, इसको टट्टी पेशाब इसी में जाएगा। कहा जी अच्छी मुसीबत आई। तो उन्होंने क्या काम किया, एक लोटा लिया हाथ में, अंडरवियर पहना और बनियान पहने हुए थे और जनेऊ कान पर चढ़ाया। अब बोले माँ, ताई कहते थे अपनी माँ से, माता जी थी तो हम सभी ताई कहते थे, ताई सारा गांव और सब ताई कहते थे, बड़ी थी सारे गांव में। उन्होंने ताई यहाँ क्या है, अरे किवाड़ खोल, बके माती चुपचाप इसी में बैठा रहे। उन्होंने कहा देखो मुझे टट्टी जाना है, टट्टी जाना है तो घर में जाऊंगा क्या, बात समझ में आ गई, हाँ ठीक बात है टट्टी जा रहा है तो जाने दो, जाने दो। उन्होंने कपड़े लत्ते सब छुपा के रख दिए थे, जूते चप्पल सब। मैं कहा अच्छा देखा जाए। उन्होंने खोल दी किवाड़, आखिर माँ ही है, माँ को इतनी तो उदारता होती है, माँ इतना थोड़ी सोच पाती है कि जी क्या कर रहा है, भाई जो है बच्चा ही तो है अपना। उन्होंने खोल दिया और बस बेटे भागे सो भागे बेटे आगरा छावनी में जा करके दम ली उन्होंने, आंवल खेड़े से आगरा बेटे रात में चले, रात में नंगे पाँव, न कांटों की खबर है और न शेर चीते की खबर है और जंगल से। अब तो माँ आबादी भी हो गई, सड़क भी पक्की हो रही है, पहले जंगल ही जंगल था चार और शेर घर को, लेकिन बेटे परवाह नहीं की और जहाँ कांग्रेस की छावनी थी वहाँ जा करके रहे। तो मैं ये क्या कह रही हूँ बेटे, वो आपको भी करना पड़ सकता है, लक्ष्य के लिए उद्देश्य के लिए आपको माँ की भी बात को ठुकराना पड़ेगा, बीवी की बात को भी ठुकराना पड़ेगा और सारे रिश्तेदारों की ठुकराना पड़ेगा, काय के लिए, लक्ष्य के लिए। बेटे हमारी उपासना और साधना आराधना हमारी लक्ष्य भी नहीं उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। उद्देश्यपूर्ण होगी तो बेटे चमत्कार उत्पन्न होगा आपके जीवन में, आपके जीवन में वो चमत्कार पैदा होंगे जो बेटे गुरुजी के जीवन में हुए हैं। अभी आपने चमत्कार नहीं देखा क्या, अरे अभी भी नहीं देख रहे, तुम्हारी आँखें बंद हैं इसलिए नहीं देख पा रहे। बेटे बिल्कुल शक्ति मिलेगी, आपके साथ तो शक्ति जुड़ रही है ना।